हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, कि जो टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, दैट्स नेम इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का MCQ लेकर आया हूँ मैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा आपको सुन के? जो बच्चे टर्म 1 एग्ज़ाम देने वाले अपने स्कूल में, जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले, या जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले NTSC या बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, KBS वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं, है ना, जो क्लास 10th के लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस हैं MCQ, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। और जो बच्चे स्कूल में एग्जाम देने वाले हैं उसमें के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, और जो 2022-23 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे, जो केस बेस्ड स्टडी होंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो होंगे आपका MCQ टाइप क्वेश्चंस होगा, और कुछ एसर्शन रीजन क्वेश्चंस होंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैं इसमें कुछ MCQ रखा हूँ मैं, और उसका कुछ आंसर दिया हूँ मैं। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ मैं कि इसके बाद आएगा मेरा टॉपिक आएगा, वो होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे जैसे मैं आपको कंप्लीट करते जाऊँगा टॉपिक पर टॉपिक, उस तरह से आपको MCQ देते जाऊँगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताते चले, अगर आप इसमें चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप मुझे वहाँ पे कमेंट्स कीजिएगा तो मैं आपको इसका PDF भी सेंड कर दूंगा। जब तक सब लोग कमेंट्स करते हैं तो मैं इसका PDF भी सेंड कर दूंगा, ताकि आपको PDF मिल जाए और आराम से याद हो जाए। ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो ये बात मैं आपको बता रखा हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ मैं कि माय डियर कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और अगर सवाल यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया जाए कि वेयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन लीव्स या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट्स के जितने ग्रीन पार्ट्स है वो सब जगह पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सब्सटेंस एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। माय डियर ध्यान से समझना, मैं आपको ये भी बता रखा हूँ मैं कि रॉ मटेरियल मीन्स जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। तो दोनों का आंसर होगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स एसेंशियल सब्सटेंस का नाम लेते हैं तब भी वही आंसर होगा। और अगर हम लोग रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, मैं आपको समझने के लिए, रॉ मटेरियल का यूज अगर बोलते हैं तो भी आपका आंसर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। और क्लोरोफिल किसके लिए? इसके लिए, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज, ये मैं इसको पॉइंट को मैं स्टार लगा देता हूँ। हमें ध्यान से सुनना कि लाइट फेज में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट लाइट फेज में बनते हैं, वो प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल डार्क फेज में होता है, प्रयोग डार्क फेज में होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? NADPH+ATP, ये कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये है आपके NCERT में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को टूटना को ही हम लोग फोटोलाइसिस बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने को ही हम लोग फोटोलाइसिस वाटर बोलते हैं, ये बात मैं आपको बता रखा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है जो आपके मीन्स NCERT का दिया हुआ है इसमें, कि यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या होगा, वाई की जगह पे क्या होगा, जेड की जगह पे क्या होगा, ये बात आपको पहले से बताया हुआ है, बुक में दिया हुआ है कि इस एक्स की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, यहाँ पे होंगे क्लोरोफिल, और इस जगह पे होंगे ऑक्सीजन, ये बात आपको पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, ये बात भी बताया हुआ मैं, जब मैं आपको बता रहा था कि व्हेन प्लांट अब्सॉर्ब द सनलाइट, सनलाइट के अंदर बहुत सारे उसमें स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट होते हैं, जिसका अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से वो प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें से रेड और ब्लू के बारे में मैंने बताया था, और कभी कभी जो शेडी रीजन होते हैं वहाँ पे ब्लू और वहाँ पे आपका वायलेट कलर यूज करते हैं प्लांट, है ना, और उसमें जो ग्रीन लाइट होते हैं ना, उसमें वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसी रिफ्लेक्शन के कारण ग्रीन लाइट जो है, रिफ्लेक्शन के कारण प्लांट जो क्यों दिखते हैं भाई, प्लांट दिखते हैं ग्रीन। क्या दिखते हैं प्लांट? प्लांट ग्रीन दिखते हैं, याद रखेंगे आप लोग, क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्पिटेटिव वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस मतलब पूरे धरती में 70-80% विच टेक प्लेस ऑन दिस अर्थ, मतलब पूरे धरती पे 70-80% कौन करता है? तो बेसिकली आप लोग क्या जानते हो, आप लोग क्या सोचोगे,
कि सिंपल बात सारा जगह तो प्लांट के बारे में है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्गी होगा, और एल्गी कहाँ पे पाए जाएंगे सर? तो मतलब कि जिस जगह पे पानी का स्टोरेज होता है, तो आप नोटिस कीजिएगा तो वहाँ पे फ्लोटिंग कुछ होता है, या वो पानी ग्रीन हो जाते हैं, तो वो ग्रीन होने के कारण, या फिर जहाँ पे आप नल, जहाँ पे बाथरूम हो गया, या फिर जहाँ पे नल होते हैं, या ट्यूबवेल जहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे है ना आपका क्या बोलते हैं कुआं वगैरह होंगे, वेल होंगे जहाँ पे, उस जगह पे हमेशा काई दिखता है ना, जो काई होते हैं ना वही काई जो एल्गी होते हैं, और वो एल्गी जो है अकेले पूरे धरती का, पूरे उस इकोसिस्टम का जो है अकेले 70-80% जो है ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोगों को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एनएडीपी एंड एटीपी। तो एटीपी का क्वेश्चन जो बहुत बार आया हुआ, एटीपी का फुल फॉर्म क्या, और आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है किस प्रोसेस, किस टॉपिक में, वो है आपका रेस्पिरेशन, आगे हम आपको लेके आएंगे। एटीपी का फुल फॉर्म पता है आपको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपी का ये एनएडीपी वर्ड जो है ये क्लास 10th में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये कॉम्पिटेटिव वालों के लिए होगा और 10th वालों को भी नहीं देख सकते हैं। इसका नाम है निकोटीन एमाइड एडिनाइन, मीन्स N फॉर निकोटीन एमाइड, डी ए फॉर हो गया एडिनाइन, डी फॉर डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया, पी फॉर हो गया फॉस्फेट, तो एनएडीपी हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डार्क रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। तो मैंने आपको बता रखा है, क्लोरोप्लास्ट में भी बता रखा, फोटोसिंथेसिस में भी बता रखा कि डार्क रिएक्शन जो होता है हमेशा लिक्विड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और ग्रेना जो कि सॉलिड पार्ट है वहाँ पे लाइट रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं इसलिए वहाँ पे लाइट डिपेंडेंट फेज होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, व्हाट इज द सोर्स ऑफ O2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया हुआ क्लास 10th में, तो ये क्लास 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि O2 का क्या सोर्स होगा फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शंस लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होंगे बाबू, यहाँ पे CO2 होंगे, क्योंकि O2 जो रिलीज होगा ना, लिबरेट होगा ना, वो O2 CO2 में भी है O, और वाटर में भी होगा, तो दोनों में से किस में से होगा? तो ज्यादातर बच्चा O2 मारता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे O2 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे O2 नहीं होगा, CO2 वाला O2 नहीं होगा, बल्कि वाटर वाला O2 होगा, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ शुगर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के क्लास 10th के NCERT बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें तीन एक्टिविटी बेसिकली एक ही तरह का है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, दूसरा एक्टिविटी है आपका सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और तीसरा एक्टिविटी है कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तीन एक्टिविटी तीनों का एक ही बात है, क्योंकि क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, और सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक्टिविटी। माई डियर, अभी मेरा ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं ये वीडियो मेरा लिए एकदम न्यू है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं कैसे करना है, क्या करना है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना, और आप लोग जैसे आप लोग बने हुए हैं मेरे साथ बने रहिए, मुझे हेल्प कीजिए। हेल्प करने के लिए कुछ डोनेशन मैं नहीं मांग, बस हेल्प करने का मतलब ये है कि मुझे थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, हल्का सा, है ना, कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे मेरी बात सुन रहा है, उस तक जा रहे हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं, तो मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा, और है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हो गया कि द प्रेजेंस ऑफ, हाँ मैं ये बोलना ये चाह रहा था कि एक्टिविटी का मैं एक मेरे सहयोगी है, मेरे स्टूडेंट ही है, वो भी बायो के स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, अभी मेडिकल में हो, तो उसमें से उन्होंने कहा कि मैं आपको एक्टिविटी का कुछ प्रैक्टिकल वीडियो बना के दे दूंगा मैं, कि किस तरह से एक्टिविटी प्रैक्टिकल, वो भी जल्दी जल्द आ रहा है, और ये सिर्फ बायो में नहीं लेकर आऊँगा मैं आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों साइंस, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है साइंस इरा, है ना, इसमें साइंस का सारा टॉपिक आपके लिए रहेगा। तो चूंकि स्टार्टिंग है तो अभी थोड़ा धीरे धीरे स्लो स्लो हो रहा है, तो उसके बाद फिर सिस्टमेटिक वैसे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोगों के, ताकि जो भी डिमांड होगा आप उसको अच्छा से देख सके, है ना, और उसको सीख सके, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है कि अ प्रेजेंस ऑफ शुगर इन ओनियन लीव्स। यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन दे दिया है कि ओनियन लीव्स बोल दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी कोई भी लीव्स दे सकते हैं, ओनियन लीव्स कैन बी टेस्टेड, कोई भी लीव होगा क्वेश्चन सबका आंसर सेम होगा, क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, कैन बी टेस्टेड विथ, मतलब कि अगर हम ये बात बता दें कि ओनियन लीव्स में
अगर स्टार्च वो बना रहा, चूंकि हम जानते हैं कि अगर प्लांट ग्रीन है, अगर प्लांट ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो स्टार्च बनेंगे, स्टार्च बनेंगे तो कैसे मालूम है? तो बोला जाता है आयोडीन अगर आप डालते हो उस स्टार्च की जगह पे तो आपको पता चल जाएगा। कैसे सर, समझ में नहीं आए तो समझते हैं। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वे एडेड टू द राइस वाटर, मतलब कि जिसको हम लोग बिहार में या फिर इंडिया में बोलते हैं क्या भाई, कि चावल का पानी, इसको माड़ बोलते हैं। तो माड़ व्हाइट होता है ना, उसमें स्टार्च बहुत सारा आ जाते हैं। अगर आप इस आयोडीन का सॉल्यूशन इसमें डालते हैं, डालते के साथ यहाँ पे देखिए लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को स्टार लगा कर बताऊंगा आपको कि यहाँ पे ब्लू ब्लैक हो जाता। तो यहाँ पे भी आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि ओनियन लीफ में क्या आ जाएगा, ब्लू ब्लैक होगा ही होगा। और ये आपका एक्टिविटी में भी यही आपको लिखना भी है कि ब्लू ब्लैक कलर अगर होना मतलब कि स्टार्च का बनना, मतलब फोटोसिंथेसिस होना। इसलिए जो राइस वाटर जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ये कॉम्पिटिटिव बच्चे लोगों के लिए कि अगर हम लोग बात करें डार्क रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होते हैं और ग्लूकोज का बनना, ये बात तो आप लोग जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन उसको रोकता है, उसका नाम है RUBP। यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ RUBP, इसका नाम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ये एक एंजाइम है जो कंप्लीट करता है कैल्विन साइकिल। कैसे, आगे मैं बताऊंगा अगला क्वेश्चन में। विच टर्म इज यूज फॉर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये आपके NCERT में वर्ड लिखा हुआ है, उसका आंसर होगा एंजाइम। बात समझ में आ गई बात आप लोगों को, इसमें से कौन सा है ना कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो टर्म यूज किए जाते हैं है ना बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में, वो कौन होंगे, एंजाइम होंगे। कुछ क्वेश्चन और मैं आपका लिख देता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन और मैं आप लोग बने रहिए, 3-4 क्वेश्चन और जाके मैं पूरा एक कंटेंट्स कर सकूं। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, फिर से अगर नहीं लिए होंगे फिर से जाके ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 है, तो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ। मैं क्वेश्चन है आपका प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन, इसको देख लीजिएगा आप लोग, प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई उसका नाम, प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन का नाम क्या है, है ना, क्या प्रोसेस है उसका, प्रोसेस का नाम है केल्विन साइकिल। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का टॉपिक जो है आंसर वो आपका 16 से मैच करेगा। मतलब यहाँ पे ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट किया जाता है डार्क रिएक्शन में RUBP के द्वारा, और वो RUBP बहुत सारे एंजाइम की मदद से कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट जब बन जाएगा तो पूरे प्रोसेस का नाम क्या होगा माय डियर, केल्विन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 17, अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इन प्लांट, मैं लिख दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इन प्लांट द कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज फॉर यूज नॉट यूज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में वो होते हैं यूज, तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप लोग, या आप लोग खुद जानते होंगे तो आप लिख सकते हैं, उसका नाम है स्टार्च। ये मैं आपको पहले भी डिस्कशन करा दिया, स्टार्च ही वो है जो स्टोर होते हैं प्लांट में, अगर वो प्लांट उसका यूज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो स्टोर कर लेते हैं, जबकि बनाता है क्या भाई, ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म बनाता है तो वो ग्लूकोज होते हैं, और बनाने के बाद अपनी बॉडी में यूज मीन्स उसको स्टोर कर लेते हैं रिजर्व फूड, उसका नाम होगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा आप लोग, करेक्ट पाथवे, ध्यान से देखना आप लोग बाबू लोग, पाथवे ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज्ड कॉमा स्टोर्ड एंड
ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिए फटाक सा, क्या लिखा हुआ। करेक्ट पाथवे बताना है, क्या पाथवे भाई साहब, कि प्लांट जो है सबसे पहले जब फूड बनाता है तो बनाकर वो सिंथेसाइज क्या करता है भाई, बनाता क्या है वो, फूड में क्या होता है वो, उसके बाद वो प्लांट जब स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है भाई यहाँ पे क्या, कि प्लांट जो है अगर कभी किसी जगह पे जरूरत पड़ा प्लांट, तो प्लांट जो है उसका कहाँ पे कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। वो किस फॉर्म, क्या वो स्टार्च को ट्रांसपोर्ट करता है या फिर स्टार्च किसी और में पॉइंट में चेंज हो जाते हैं। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, मैं सबसे पहला पॉइंट है वन नंबर पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया आपका टू नंबर पॉइंट और यहाँ पे आपका हो गया थ्री नंबर पॉइंट, ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आंसर होगा इसका ग्लूकोज, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्टार्च में, और वो स्टोर हो जाते हैं। और अगर इस स्टार्च को ट्रांसपोर्ट करना किसी जगह पे, जिस फ्रूट्स में ट्रांसपोर्ट करना, रूट्स के पास ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि रूट तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, तो रूट्स को तो फोटोसिंथेसिस फूड चाहिए चाहिए, तो मैं फ्लोएम क्या करेगा, इस स्टार्च को क्या करेगा, सुक्रोज में कन्वर्ट कर देगा। और ये सुक्रोज एनसीईआरटी में दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, ये वर्ड लिखा हुआ है सुक्रोज, ठीक है। तो ये 18 नंबर जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लेके चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, मतलब स्टोमेटल पोर का, स्टोमेटल पोर आप जानते हैं आप लोग जो है कि स्टोमेटल का जो पोर है, छेद है, वो किस पे डिपेंड करता है, कि हमको आपको बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यू नो डैट वेरी वेल, उसका नाम है वाटर, H2O के वजह से जो है ना, एक गार्ड सेल। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको वहाँ पे कि क्या बताया था सर, वहाँ बताए थे कि गार्ड सेल के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए, और फोटोसिंथेसिस चाहने के लिए वाटर चाहिए, सो वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल ओपन होगा, वाटर बाहर निकलेगा गार्ड सेल क्लोज होगा। और आपका आज का लास्ट 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 20 क्वेश्चन में आपको देखना है, चूज द, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट Most plants है ना, most plants absorb nitrogen, मतलब कि plant जो है nitrogen use करते हैं। ये भी NCERT में दिया हुआ, nutrition के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा कि plant जो है कि किस form में nitrogen को लेते हैं, ठीक है ना। और nitrogen के अलावा और क्या क्या लेते हैं, तो वहाँ पे आया है phosphorus आया है, वहाँ पर आया आयरन आया है, और क्या आया, मैग्नीशियम, ठीक है ना। ये सब एनसीईआरटी वर्ड लिखा हुआ याद रखिएगा आप लोग, है ना। और नाइट्रोजन जो लेते हैं उसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं भाई, तो नाइट्रोजन, ये भी आंसर लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, उसका नाम है नाइट्रेट और नाइट्राइड, याद रखिएगा नाइट्रेट और नाइट्राइड। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का इतना ही टॉपिक, इतना ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना कर रखा हूँ मैं। आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग मतलब सॉरी कमेंट्स कीजिएगा आप लोग, तो मैं आपके लिए और भी ज़्यादा क्वेश्चन लेकर, चूँकि ये टॉपिक 20 क्वेश्चन सिर्फ इसी से रहेंगे, फिर 20 क्वेश्चन आगे आएगा ह्यूमन न्यूट्रिशन में, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक आने जा रहा है वो टाइप्स ऑफ मीन्स हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होंगे, और उसके बाद फिर न्यूट्रिशन इन एमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे न्यूट्रिशन वर्ड कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे अगला पॉइंट जो होंगे वो होंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे आखिरी टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो होगा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। प्लांट्स में तो बहुत छोटा सा एक्सक्रीशन, वो तो ओरली मैं आपको समझा दूंगा, है ना, वो आप लोग खुद भी समझ सकते हो। माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा मेरा वीडियो, इसको कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं अच्छा से अच्छा लिख रहा हूँ, मैं
क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मीन्स हेजिटेट मुझे हो रहा है कि पता नहीं सब लोग अच्छे लग रहे होंगे कि नहीं लग रहे, लेकिन मेरे पूरा उम्मीद है कि मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ पूरे एकदम जिम्मेवारी के साथ में एक बड़े भाई के जैसा, जो बच्चे जो मीन्स आप लोग तैयारी कर रहे क्लास टेन के उन लोगों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे उनके लिए, ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। और आपके लिए थोड़ा सा ये है कि अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहा मुझे मीन्स थोड़ा सा लाइक कर देते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे कोई तो है अपने जो मुझे पसंद करते हैं, अगर ऐसा लगा तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। कहा जाता है कि थोड़ा सा किसी का सहयोग करने से क्या होगा और मनोबल बढ़ जाता है, तो अगर आप थोड़ा सा मीन्स अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो अगर आपको लगा कि हाँ ये बंदा ने कुछ वर्क किया है मेहनत किया कुछ पॉइंट है तो देख के लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करते हैं आप तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अगर जाते जाते अगर आप लोग थोड़ा सा वो रेड वाला बटन को दबा देंगे और घंटा को बजा देंगे तो मेरा इधर का घंटा बज जाएगा और मैं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगा मैं, ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से और आपको मज़ा आए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो देखिए समझिए इसको नोट कीजिए इसको, और अगर लगता है कि पीडीएफ देना है तो मैं पीडीएफ भेज दे दूँगा। तब तक के लिए बाय।